तो हाँ तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग वापस खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। और आज मैं डायमंड्स खोजने वाला हूँ। मुझे 64 डायमंड्स तो चाहिए। मेरे विलेज के पास एक माइन थी, उसमें मैं माइनिंग करने गया था और मुझे एक ज़ॉम्बी मिला था जिसने गोल्डन हेलमेट पहना हुआ था। उसको मैंने मारा और गोल्डन हेलमेट ले लिया। ये रहे, वो इधर ही खड़ा था। और अभी तो हमें डायमंड्स खोजने हैं। आज मैं 64 डायमंड्स खोजूंगा। और 5-6 साल के बच्चे जो मेरी वीडियो देखते हैं वो सोच रहे होंगे 64 डायमंड्स तो इम्पॉसिबल है। मजाक कर रहा था। और एक और लाइब्रेरियन है इधर, क्या दे रहे हैं मुझे 30 एमरल्ड के बदले। 30 एमरल्ड है तो अच्छा ही होगा। रिस्पिरेटेशन ये किसमें लगती है मुझे पता नहीं है, पर मुझे इससे लक ऑफ द सी 2 चाहिए। तो मैं लक ऑफ द सी 1 को लक ऑफ द सी 2 बना पाऊंगा, जो कि मुझे वो लक ऑफ द सी 1 दे रहा है। और मैं 2 फॉर्चून वाला चला भी गया है। और मैं लावा का बकेट लाया था लास्ट एपिसोड में नेदर से। और आयरन की पिकैक्स लेना तो जरूरी है। और प्लीज कोई बदसूरत ना आ जाए, ठीक है। मेरा आयरन किधर है, मेरा मतलब स्टोन पिकैक्स किधर है। टॉर्चेस बना लेते हैं थोड़ी सी। टॉर्चेस चाहिए होगी। और मैंने अपने पूरे जगह को लाइट अप कर दिया है क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे। और हम लोग इस माइन में जाएंगे। मैं अपने विलेज के पास वाला माइन में गया था। और डायमंड सीकर बोल रहे हैं, उधर कोई डायमंड्स नहीं है। डायमंड सीकर था ना उसका नाम, हाँ ऐप का नाम डायमंड सीकर है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में देना सच में नहीं आता। आता है पर लिंक को देना नहीं आता भाई। तो इधर तो डेड एंड है इसका। और मैं इधर चलता हूँ। ये एक बड़ी वाली केव है। और लास्ट कुछ एपिसोड पहले हम लोग इधर आए थे ना, और वो रहे बदसूरत आ गया अभी भी। ठीक है, कोई लावा मावा तो नहीं है। मैं इधर आया था, आया मैं थे जूड गाइड क्या बोलते उसके। ये क्या, ये तो बस डेड एंड है। ठीक है, मुझे डेड एंड में तो कोई डायमंड्स मिलेंगे नहीं। और मैं स्ट्रिप माइनिंग करना चाह भी नहीं रहा हूँ। तो हम लोग ऐसे ही जाते। एक वॉइड दिखा था मुझे बड़ा वाला, ये तो छोटा वॉइड है लास्ट वाले वर्ल्ड में, जो कि मैं से गलती से खो गया था ये सोच के कि वापस मिल जाएगा। और मैं माइनक्राफ्ट बेडरॉक को जावा में कन्वर्ट करना सीख गया हूँ। और वो हो रहा वो बड़ा वाला वॉइड। और नीचे कुछ है क्या, डायमंड्स तो दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, हम लोग इधर से माइनिंग करना पड़ेगा। या केव जो पड़े हैं ना आसपास इसके, इनमें जाना पड़ेगा। और कोई बोल रहा है कि मैं ही हूँ जी गेमिंग। डायमंड भाई कितने हैं, बहुत सारे हैं इधर। और नहीं, इधर नहीं भाई, पानी मुझे इधर लेके जा रहा है क्यों। और इधर पानी को मैं बंद कर देता हूँ भाई, पानी तो और आ रहा है। और माइनक्राफ्ट वालों प्लीज वार्डन को ऐड मत करना। अगर कोई नया वाला बंदा जिसके पास कोई डायमंड या आयरन ब्लॉक नहीं है, वो कैसे करेगा वार्डन उसको पिचक देगा। तो पानी तो इधर से आना बंद हो गया है।
अभी मैं काउंट करते करते माइन करूंगा क्योंकि आसपास तो लावा नहीं है। और मुझे डीप स्लेट आयरन मिल चुका है, ठीक है मैं इनको तोड़ देता हूँ। इसको तोड़ूंगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये आयरन तोड़ के देखते हैं। मेरा छोटा भाई बोल रहा है कितने आए, 5। ओके और है 6 7 और एक और है, ये रहा आ गए। हमारा काम हो गया है, हमें जितने डायमंड्स चाहिए तो उतने मिल गए, बहुत सारे। और मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ पानी को, भाई आ रहा है बस से, ठीक है ब्लॉक हो गया। और अभी मैं टॉर्च से माइन कर रहा हूँ डायमंड को। 8 डायमंड्स 8 और मैं अभी ऊपर चला जाता हूँ जहाँ से मैं आया था, इधर से ही। हाँ इधर से आया था मैं, मुझे इधर से ऊपर जाना है। और कुछ लोग मेरी वॉइस को सुन के बोल रहे हैं मैं जी गेमिंग हूँ, भाई मैं आज अपनी असली वॉइस में आवाज बना रहा हूँ, मैं कैसे जी गेमिंग हो सकता हूँ। ठीक है इधर हम लोग आ चुके हैं जी गेमिंग, कुछ ऐसे बात करता है दोस्तों, कैसे बात करता है वो। ठीक है इधर एमेथिस्ट है, वापस से उग गए है। एमेथिस्ट क्या नेचुरली उगते हैं? लगता है नेचुरली उगते हैं एमेथिस्ट। वो ब्लॉक मेरे पास है और मैं एमेथिस्ट की फार्मिंग भी करने वाला हूँ। और मैंने सुना है एमेथिस्ट डार्क में ज़्यादा अच्छी ग्रो होती है, तो वे ऊपर चलता है वापस से। और 1.17 आने के बाद मुझे केव में जाने से थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, केव में कुछ आए है। और ग्लो स्क्विड्स कभी कभी केव में स्पॉन होते हैं, ग्लो स्क्विड बहुत ही रेयर मॉब है। और एक्सोलॉटल भी मुझे दिखे भी नहीं है अब तक, एक बार दिखे थे उनको मैंने एक अचीवमेंट सोच के मार दे, मैंने सोचा था उनको मारूंगा अचीवमेंट मिल जाएगा। ठीक है हमें डायमंड्स तो मिल चुके हैं कुछ ही देर माइनिंग में, इसलिए बोलता हूँ आप ऐसी सीड लगाओ अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के लिए जिसमें वॉइड हो, और उसमें अगर आप जल्दी डायमंड्स खोज सकते हो। ठीक है मैं पहले तो स्टिक बनाता हूँ। और हाँ आज मैं इस वीडियो में क्रिएटिव में जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे थंबनेल लेना है। और मैं डायमंड का हेलमेट बना सकता हूँ, डायमंड की चेस्ट प्लेट, डायमंड की लेगिंग्स, डायमंड की बूट्स, डायमंड की डायमंड है पर स्टिक्स नहीं है मेरे पास। और पता नहीं क्यों ड्रीम है ना, ड्रीम आपको पता ही होगा ड्रीम बहुत बड़ा है, ड्रीम बहुत अच्छा माइनक्राफ्ट का स्पीड रनर है, तो वो डायमंड की शवल बनाता है। मैंने उसका स्पीड रन वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड कल ही देखा था, उसने बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया कुछ ही मिनट में। और ये रही मेरी एक्स, मुझे कहीं जाना पड़ा, मैं क्या बात कर रहा था। हाँ ये रही मेरी एक्स, तो रात होने वाली है। और याद रखना मैं आज क्रिएटिव में क्रिएटिव से सामान ले ले रही थंबनेल बनाने जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे क्रिएटिव से कैसे थंबनेल बनाएगा, दिखाऊंगा बस वेट करो वीडियो के एंड में।
ठीक है, मैं बचे कुछ डायमंड्स को इधर रख दूंगा। ठीक है, अपने कुछ चीजों को रख दो, एमेथिस्ट रख दो, ये रख दो, ये नहीं, इधर नहीं। और जब मैं नेदर में जाऊंगा, कल के एपिसोड में हम लोग इंचैंटिंग करने वाले हैं, और उस एपिसोड के बाद वाले एपिसोड में हम लोग नेदर जाने वाले हैं। मैं अपने डायमंड पिकैक्स से जो अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, स्टिक्स बनाते हैं, बन गए डायमंड, डायमंड की सॉर्ड, डायमंड की पिकैक्स। और मेरे पास अभी 3 डायमंड्स बाकी है, इसको मैं इंचैंटिंग के लिए बनाऊंगा। और भाई देखो कितना अच्छा लग रहा है। और पिकैक्स, मुझे मुझे 2 टाइप के थंबनेल, एक टाइप का ही थंबनेल बनाया है, पर मेरे दिमाग में 2 टाइप का रहे। मैं एक हाथ में पिकैक्स, एक हाथ में सॉर्ड। ऐसा हम लोग बेडरॉक में तो कर नहीं सकते, पर सॉर्ड को क्या ले सकते हैं? नहीं कर सकते, मतलब हमें क्रिएटिव वाला वे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएटिव वाला वे ही यूज करके हम लोग थंबनेल शॉट लेंगे। अभी वो ऐसे लेते हैं, इधर किसी चीज के भी ऊपर आपको इसको ड्रॉप कर देना है आइटम, और इसको भी। और अभी हमें क्रिएटिव में जाना पड़ेगा यार। और अभी मैं कुछ सेटिंग्स करता हूँ। मैं ड्रीम से 10 गुना अच्छा हूँ भाई थंबनेलिंग में। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, अभी मुझे सही टाइम में स्क्रीनशॉट लेना है। हो गया, अभी हम लोग वापस से सर्वाइवल में जाएंगे। अभी वापस से इधर जाएंगे, हाइड हैंड ऑफ करेंगे, हाइड हुड ऑफ करेंगे, और हमारा काम डन है। तो ये अच्छा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए।